हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आइए, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार SSC के सहायक जो एग्ज़ाम था उसके बारे में। बिहार BPSC का जो असिस्टेंट एग्ज़ाम था उसके बारे में काफ़ी दिनों से ये चर्चा थी कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। फाइनली आप आपके सामने जो है कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले जो है कि बिहार SSC की वेबसाइट पर, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कि इसको अपलोड किया गया है, ठीक है। और इस नोटिस में क्या है उसको देख लीजिए। नोटिस में लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 8/2018 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग सहायक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 मार्च 2019 को संभावित है, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है, प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार इसमें तिथि में परिवर्तन हो सकता है। मतलब आप इसको कन्फर्म नहीं मान सकते हैं, बिकॉज इन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये डाल दिया कि आवश्यकता अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण हो सकता है डेट्स चेंज हो सकता है। बट आपके लिए एक लमसम एक फिगर आ गया कि आपका परीक्षा जो है कि अब इस तारीख तक होने की संभावना है या फिर इससे आगे हो जाएगा। लेकिन 17 मार्च एक डेडलाइन जरूर है कि इतने तक के लिए आप जो है कि एक डेट आपको पूरा फेब्रुअरी और लगभग आधा मार्च, लगभग 1.5 महीने का समय आपको दे दिया गया, आज से ठीक 1.5 महीने का। तो हो सकता है कि मतलब अगर एक ही दिन एग्जाम है, एक ही दिन एग्जाम होना है, तो अगर आगे पीछे भी हो जाए तो उससे कोई समस्या नहीं है। कुछ डेट अगर आगे भी हो जाएगा तो भी कोई खास समस्या वाली बात नहीं होगी। तो मोटा मोटी एक रफ फिगर यही है कि 17 मार्च 2019 को परीक्षा संभावित है। अब आप लोग जो है कि अपनी तैयारियों पर पूरी तरह से लग जाएं। जो लोग BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, जो BPSC का PT दिए होंगे, वो लोग तो मेंस में भी लगे होंगे, बट अब इसके लिए भी आपको लगना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का मान चले कि 64वीं में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो जो है कि इस पर भी फोकस कर सकते हैं। और इसमें खासकर आपको मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 जो है कि रीजनिंग है और लगभग 25 मैथ्स है, और बाकी तो फिर GK ही है, पूरा GK और साइंस है। तो GK साइंस तो जो लोग पढ़ रहे हैं मोटा मोटी, वो लूसेंट वगैरह है उसका तो अपना फिगर आ जाएगा, बट आपको मैथ और रीजनिंग पर जो है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो है कि आप प्रिपरेशन जो है कि आप अपना जारी चालू कर दीजिए आज से। अगर नहीं कर रहे हैं तो चालू कर दीजिए, और कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट आपके सामने 17 मार्च दे दिया गया है। और अब आगे जो भी अपडेट होगा, अगर एग्जाम में बदलाव आता है या क्या होता है, वो जो भी मतलब अपडेट आएंगे मैं आपको जो है कि इस चैनल पर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर दीजिए जो लोग इस एग्जाम को मतलब इस फॉर्म को फिलअप किए हैं उन तक, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।